हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिसने अभी हाल में ही एडमिशन करवाया है अक्टूबर नवंबर में, उनका एग्जाम कब होने वाला है फर्स्ट सेमेस्टर का। मतलब कि जो भी स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं न्यूली ड्यू सोल के अंदर, जिनको फ्रेशर भी बोल सकते हैं, उनका एग्जाम कब तक होने वाला है, क्या मोड होने वाला है, और जो स्टूडेंट स्टडी के साथ साइड बाय साइड जॉब भी करते हैं उनको क्या करना है, इस वीडियो में अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देख लेना, और अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप लोगों को इसी चैनल पे आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर की कोर्स वाइज वीडियो भी अवेलेबल है, तो आप लोग वहां से भी स्टडी कर सकते हो। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में न्यूली, जो आप लोगों का न्यू बैच है फोर्थ ईयर पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जितनी भी अपडेट्स होगी तो आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बाय द वे, आप लोगों ने अभी तक अपना एडमिशन तो करवा ही लिया होगा फर्स्ट ईयर, मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर में। कुछ लोगों ने बीए प्रोग्राम में या फिर अदर स्ट्रीम में भी एडमिशन लिया होगा, लाइक बीए इंग्लिश ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, या फिर एमबीए बीबीए और अदर स्ट्रीम में भी कुछ बच्चों ने एडमिशन लिया होगा। अगर आप लोगों ने एडमिशन अभी तक नहीं लिया किसी भी रीजन की वजह से, या फिर सर्वर नहीं चल रहा था, या फिर कोई मतलब कि पेमेंट इशू हो रहा था और फिर पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, तो अगर आप लोगों का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो आप लोग जाओ सोल ऑफिस नॉर्थ कैंपस या फिर साउथ कैंपस, वहाँ पर जाके आप लोगों को किसी से नहीं मिलना, डायरेक्ट ये हेड ऑफ एग्जामिनेशन से मिलना है, और अपने जो अपना जो भी रीजन है आप लोगों का वो आप लोग बता देना। बट मोस्टली स्टूडेंट का रीज़न यही होगा कि उनका फीस जो था वो पेंडिंग शो कर रहा था और उनका क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग ये भी बोल सकते हो अपना रीज़न, ठीक है। ओके, अगर आप लोगों को फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो हमारा व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना जो भी प्रॉब्लम होगा वो पूछ लेना, हमारे साइड से जितनी हेल्प हो सकेगी आप लोगों को करवा दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हम लोग, तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आप लोगों का फेब से मार्च में होने वाला है। एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, ये कंफर्म डेट है। कंफर्म डेट अब कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जितने भी पिछले साल या फिर उससे पिछले साल, मतलब कि जितनी बैक ईयर की मतलब कि एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में मतलब कि ड्यू सोल में ज्वाइन होते हैं, उनका मतलब फर्स्ट ईयर मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में ही आप लोग अगर ड्यू सोल में एडमिशन लेते हो, ज्वाइन होते हो, तो आप लोगों को 3 से 4 महीने का ही एक सेमेस्टर दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के पास टाइम शॉर्टेज होता है, और फिर उसके बाद सेकेंड ईयर से आप लोगों का स्मूथ हो जाएगा, 4 से 5 महीने आप लोगों को ये प्रिपरेशन करने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद 1 महीने में आप लोगों का पेपर हो जाने वाला है। तो इसीलिए बाकी सारी मतलब एनालाइज के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम है कन्फर्मली आप लोगों का फेब के लास्ट से या फिर आप लोगों का मार्च से, मार्च में स्टार्टिंग से ही आप लोगों का पेपर कंडक्ट होने लगेगा। तो पेपर का तो मैंने बता दिया, अब उसके बाद बात करते हैं जो भी स्टूडेंट साइड बाय साइड जॉब कर रहे हैं उनका क्या लॉजिक है, मतलब उनको अपने पेपर को कैसे अच्छे से पास कर सकते हैं। तो भाई तुम लोग को भी यही बोलूँगा कि साथ के साथ अभी से ही स्टडी कंटिन्यू रखना, जॉब पे ज़्यादा फोकस मत करना, जॉब पे ही फोकस करो और स्टडी पे भी फोकस करो, दोनों पे फोकस करोगे तभी तुम्हारा जो एग्ज़ाम टाइम है वो मुश्किल नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के सीनियर जो स्टूडेंट हैं वो आप उनकी क्यूरी आती रहती है कि भाई मतलब कि एग्ज़ाम में कुछ टिप्स बता दो, कुछ ट्रिक बता दो, तो टिप्स और ट्रिक्स बस यही है कि आप लोग स्टार्टिंग से जॉब तो कर ही रहे हो, उसके साइड आप लोग अपना स्टडी भी कंटिन्यू रखो, ठीक है। तो यही आप लोगों का सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, टिप्स है, ठीक है। तो अपने इस वीडियो को, हमारा जो भी टॉपिक था वो आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर दो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और आप लोगों को इस चैनल पे कोर्स की भी वीडियो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को जो प्लेलिस्ट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप लोग क्लियरली जाके अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।